ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हमारा चेहरा और हमारी चलन देवकुल की आत्माओं को समीप लाती है। यही दोनों चीजें बाबा को प्रत्यक्ष भी करती हैं और अनेक आत्माओं को बाप से जोड़ती भी हैं। तो क्या करें हम, जो हमारे चेहरे पर रूहानियत हो, सदा खुशी की झलक हो, सभी के लिए शुभ भावनाएं हो, प्योरिटी से हमारा ललाट दैदीप्यमान रहता हो। हमें इन चीजों पर ध्यान देना है कि हमारा चेहरा, देखिए सब कुछ चेहरे पर आता है। चेहरा हमारी मनोस्थिति का दर्पण होता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, ये कहा गया है। जो कुछ हमारे अंदर चलता है वो सब हमारे चेहरे पर झलित होता है, झलकता है। हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाएं, हम अपनी स्थिति को महान बनाएं, हम अपने स्वमान को आगे बढ़ाएं। यदि हमारे मन में किसी भी आत्मा के लिए अशुभ भाव रहेगा तो हमारे चेहरे पर उसके चिन्ह अवश्य अंकित होंगे। चाहे कोई कितना भी बड़ा शत्रु हो, हमें उसे शुभ भावनाएं ही देनी है। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों की शत्रुता को समाप्त करेंगी। हमारे चेहरे पर रूहानियत हो, योग की झलक हो, इसका हमें बहुत ध्यान देना है। और रूहानियत आएगी अंतर्मुखता से, रूहानियत आएगी ज्ञान के चिंतन से, रूहानियत आएगी जब हम शरीरी होने का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, रूहानियत आएगी जब इस संसार के खेल को हम खेल की तरह साक्षी होकर देखेंगे। तो हमें अपनी स्थिति के द्वारा अपने चेहरे को बड़ा आकर्षक बनाना है। यही हमारी सर्वश्रेष्ठ पर्सनालिटी होगी कि हमारे चेहरे पर संतुष्टता हो, हमारे चेहरे पर प्रसन्नता के संपूर्ण चिन्ह हो। सोच लें, भगवान को पाकर ही यदि कोई संतुष्ट न हुआ तो भला कैसे होगा। भगवान को पाकर ही यदि किसी के मन में खुशी की लहरें न उठती हों तो भला क्या पाकर वो खुश होगा। हम इन बातों का चिंतन करें और आगे बढ़ें, अपने को तृप्त आत्मा बनाएं कि हे प्रभु, तुम्हें पाकर हमने सब कुछ पा लिया, तुम्हारे ज्ञान को पाकर हमने सब कुछ जान लिया, तुम्हारी दृष्टि पाकर हम निहाल हो गए, तुम्हारे वरदान पाकर हम भरपूर हो गए, तुम्हारी शक्तियाँ पाकर हम संपूर्ण शक्तिशाली हो गए। ये हमारे दिल की आवाज निकलती रहे और ऐसे ही हम बहुत प्रसन्न रहें। संसार में भी कई लोग बहुत खुश रहते हैं, उन्हें कुछ प्राप्त हो या ना हो, उन्हें ज्यादा इच्छाएं नहीं रहती और वो सदा खुश रहते हैं। इच्छाएं ही मनुष्य की खुशी को छीनती हैं। हम अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाएं। जो छोटी इच्छाओं से भला हमें क्या मिलेगा, वो हमें कैसे तृप्त कर पाएंगी। हम तो सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, लेकिन जो आत्मा अपनी इच्छाओं के गुलाम रहेंगे वो भला दूसरों की इच्छाओं को कैसे पूर्ण करेंगे। तो चलें हम सभी अपने चेहरे को और अपनी चलन को महान बनाएं। हमारा हर कर्म हम बाबा का नाम रोशन करने वाला हो। चलन माना हमारा चरित्र, चलन माना जब हमारे हम कर्म क्षेत्र पर हैं तो हमारी मनोस्थिति क्या है, उसका संपूर्ण स्वरूप हमारे जीवन में दिखाई देता है। हम चलते हैं तो कैसे चलते हैं, क्या चलते हुए भी हमसे प्योर वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आज सारा दिन एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। बाबा हजार भुजाओं सहित हमारे सिर पर छत्र छाया है। बाबा ने जैसे हजार भुजाएं फैला दी हैं, उसकी हजार भुजाओं की छत्र छाया के नीचे हम सुरक्षित हैं। हम पर कोई तंत्र मंत्र, कोई ब्लैक मैजिक, कोई निगेटिव एनर्जी
असर नहीं कर सकती। उनकी छत्र छाया में हम संपूर्ण रूप से निर्भय हैं। इस तरह संसार में विचरण करेंगे जैसे कांटों के जंगल में शेर निर्भीक होकर विचरण करता है। ओम शांति।